वाचिंग अवर चैनल एजुकेशन एडी। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होने वाला है नंबर के सीरीज के ऊपर। उसके पहले उसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर देखने के पहले हम देख लेते हैं डिक्रीज केस एंड इंक्रीज केस आखिर होता क्या है। अभी डिक्रीज केस मतलब क्या होता है, जब नंबर जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1 देखिए ये नंबर है, अब ये नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, तो वही हम देखेंगे यार डिक्रीज केस होता क्या है। और ये इंक्रीज केस 1, 2, 3 अभी देखिए नंबर बढ़ता जा रहा है तो ये हो गया इंक्रीज केस। आइए देखते हैं इसके कुछ दो पॉइंट है। देखिए डिक्रीज केस के जब कोई संख्या धीरे धीरे डिक्रीज हो रही हो, जब कोई संख्या धीरे धीरे डिक्रीज हो रही हो तो माइनस में चलता है। देखिए धीरे धीरे हो रही एक संख्या माइनस में चल रहा है। देखिए पॉइंट टू, जब कोई संख्या एकदम से डिक्रीज हो जाए तो डिवाइड चल रहा होता है, जब एकदम से डायरेक्ट डिवाइड हो जाए तो डिवाइड ही कहते हैं। तो देखिए सेकेंड जो केस है ना वो है इंक्रीज केस, धीरे धीरे जब कोई संख्या धीरे धीरे से आगे बढ़ती है तब वो प्लस में चल रही होती है। अभी मल्टीप्लाई, जब कोई संख्या थोड़ा ज्यादा ज्यादा होने लगती है तब वो होती है मल्टीप्लाई, और एकदम से जब कोई संख्या बढ़ती है तब उसे कहते हैं स्क्वेयर और क्यूब, स्क्वेयर और क्यूब भी हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसी प्रकार के नंबर सीरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए ये एक सीरीज दी गई है, हमको इसका आंसर निकालना है, हम एक ट्रिक यूज करेंगे। देखिए अभी देखिए ये 5 और 7 है, हालांकि सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, फिर भी 5 और 7 11 एंड 13 17 एंड 19 29 एंड 31 इज इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन मार्क है। अभी देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप देखिए ये जो 7 है और ये 5 है इसमें कितना अंतर आता है, ऐसे डिफरेंस निकालने से भी हमारा आंसर नहीं है। तो अभी देखिए 7 और ये जो 11 है ये कितने का डिफरेंस है, 4 का। और देखिए ये जो 13 है इस 13 का कितना डिफरेंस है 17 के साथ, 4 का। देखिए यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, और यहाँ 19 का इसके साथ 10 का यानी 10। अभी देखिए अभी ये जो संख्या है इसका रिलेशन भी 10 से एडिशन के बाद ही आएगा। देखिए 31 + 10 = 14। देखिए दोस्तों आगे हमारा आंसर क्या क्या, हमने जो नंबर है ना लास्ट का उसका उसके पहले नंबर से की है डिफरेंस निकाला है, और इसके अगले नंबर से और इसके अगले नंबर से, और हमारा जो आंसर है 41 वो आ चुका है निकल के। देखिए हमने यहाँ डिफरेंस ट्राई किया होता कैसे किया, देखिए जो 7 है इसको 11 के साथ रिलेशन किया, 4 का डिफरेंस आया, 13 को 17 के साथ 4 का डिफरेंस, ये जो 29 है इसको 19 के साथ कितना आया 10 का, और ये जो 31 है यहाँ दो नंबर सेम आए तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 आएगा क्योंकि दो नंबर सेम आए थे। समझ गए आप, जी हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए देखते हैं टाइप टू दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा टाइप टू दोस्तों। अभी देखिए ये भी एक सीरीज ही है, बस ये फ्रैक्शन की सीरीज है। देखिए अभी क्या करेंगे हम, अभी देखिए अगर कहीं हम यहाँ निकालेंगे 1, 2, 3, 4 देखिए एक लाइन से बिल्कुल एक लाइन से दिया गया है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वहां तो 5 होगा, तो 5 लिख लिया। अभी देखिए ये 2 यहाँ 4 है, अगर कहीं हम मल्टीप्लाई करके देखें 2 × 4 = 16 होता है, तो ये 8 नहीं आएगा। तो अभी हम अपने लॉजिक से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 2 है तो 2 को 2 के साथ प्लस करने से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 4 है यहाँ, अभी इसी 4 को इसी 4 से प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए 4 + 4 = 8 आ गया, पहले तो हमने मल्टीप्लीकेशन ट्राई की थी आया नहीं था, अभी 8 आ चुका है। देखिए दोस्तों अगर कहीं हम इस 8 को इस 8 में प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 16 जो यहाँ दिया गया है, मतलब कि जो डिजिट दिया गया है उसी डिजिट को उसी नंबर से कर देनी है एडिशन, तो हमारा आंसर आ रहा है, तो मतलब ये ट्रिक इस पे फॉलो होगी। चलिए आइए देखते हैं 16 का 16 से कर रहा है प्लस, देखिए प्लस करने के बाद 32, जी हाँ दोस्तों 32
तो मतलब कि यहाँ जो संख्या होगी अपॉन में वो होगी 32। देखिए कितने आसानी से हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। आइए दोस्तों अभी टाइप थ्री देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी देखिए ये हमारा टाइप थ्री है दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिए, अभी ये ना क्लॉक टाइप का सीरीज है, देख सकते हो। अभी देखिए यहाँ जो पहला जो है 8:05 8 o'clock हुए हैं और 5 मिनट हुए हैं, देख सकते हो। 10:10 हुए हैं और यहाँ 12:15 14:20। अभी आपने जरा ध्यान दिया होगा कि यहाँ 8 है और ये दो डिजिट बढ़ के 10 हो गया, दो डिजिट बढ़ के 12 हो गया, दो डिजिट बढ़ के 14 हो गया, मतलब दो दो डिजिट बढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर कि इस 14 में हम एक दो डिजिट बढ़ा देना तो 16 आ जाएगा, 16। और मिनट में क्या आ जाएगा वो भी निकालेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ 5 दिया गया है और यहाँ 10, मतलब को 5 का डिफरेंस दिया गया है। 5 को ऐड कीजिए 5 में, 10 आ गया, और इस 10 में 5 ऐड कीजिए 15 आ गया, इस 15 को 5 में ऐड कीजिए 20 आ गया, 20 आ गया। देखिए तो 20 को कीजिए इसमें ऐड, कितना आ जाएगा 25, देख सकते हो। तो अभी देखिए यहाँ लिख दीजिए वो, मतलब हमारा जो आंसर है ना वो है 16:25। देखिए कैसे किया हमने, देखा कितने का डिफरेंस है कि और कितने बजे है। तो हमारा जो डिफरेंस आया वो दो दो का आया और हमने निकाल लिया 16। और जो मिनट में थे उनमें 5-5 का डिफरेंस था, आपके इसमें 6-8 हो सकता है, एडिशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ 5-5 का डिफरेंस था तो हमने 5 ऐड कर दिए तो आया 25। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप समझ में होंगे कि नंबर सीरीज आखिर होती क्या है, उसकी ट्रिक एंड लॉजिक्स, तो अगर कि आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।